हेलो सूर्या टूरिज्म टिप्स फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें। साथियों बात करेंगे आज ऐसी नो कंट्री जहाँ पे इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है और वहाँ पे इंडियन कितने दिन तक ड्राइविंग कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे गाड़ी कौन सी साइड में चलाई जाती है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। साथियों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और साथ ही साथ जो आप अपना कीमती टाइम दे रहे हैं उसका प्रॉपर सदुपयोग कर सकें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बात करते हैं साथियों नंबर नाइन जो है साथियों साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका में जो है लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाई जाती है और वहाँ पे आप एक साल तक जो है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से वहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हो और गाड़ी मैंने आपको बताया वहाँ पे लेफ्ट साइड में चलाई जाती है। नंबर आठ है साथियों स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में साथियों जो है गाड़ी राइट हैंड साइड में चलाई जाती है और वहाँ पे आप इंडियन लाइसेंस से जो है एक साल तक गाड़ी चला सकते हैं और साथ ही साथ साथियों जो आपका इंडियन लाइसेंस है वो इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होगा तो वहाँ पे आप नहीं चला सकते। अगर आपका हिंदी में है तो वहाँ पे आप इंडियन एम्बेसी में जाके ट्रांसलेट करवा के ला सकते हैं। नंबर सेवन है साथियों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है तो ही आप वहाँ पे इंडियन लाइसेंस से जो है गाड़ी चला सकते हो, अदरवाइज़ नहीं चला सकते। और वहाँ पे भी न्यूजीलैंड के अंदर भी जो है आपका लाइसेंस जो है इंग्लिश में होना ज़रूरी है। नंबर सिक्स है साथियों नॉर्वे को साथियों मिडनाइट सन की भूमि भी कही जाती है और वहाँ पे आप 3 मंथ तक जो है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हो और वहाँ पे नॉर्वे के अंदर राइट साइड से गाड़ी चलाई जाती है। नंबर फाइव है साथियों मॉरिशस से साथियों आप भारतीय लाइसेंस से आप वहाँ पे एक साल तक गाड़ी चला सकते हो और मॉरिशस इतनी छोटी कंट्री है कि एक दिन में आप जो है मॉरिशस को पूरी कंट्री घूम सकते हो। नंबर चार है साथियों जर्मनी। जर्मनी में भी गाड़ी जो है साथियों राइट साइड में चलाई जाती है और वहाँ पे आप इंडियन लाइसेंस से 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हो। सेकंड जो है साथियों वहाँ पे या तो जर्मन लैंग्वेज में या इंग्लिश में आपका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लाइसेंस जर्मन में या इंग्लिश में नहीं है तो वहाँ पे आप एम्बेसी में जाकर ट्रांसलेट करवा सकते हो। नंबर थ्री है साथियों फ्रांस। फ्रांस में जो है साथियों आप एक साल तक गाड़ी चला सकते हो। फ्रांस में राइट साइड में गाड़ी चलाई जाती है और इंडियन DL से आप वहाँ पे एक साल तक जो है आराम से गाड़ी चला सकते हो। साथ में आपको जो है फ्रेंच लैंग्वेज में जो है अपने इंडियन लाइसेंस की कॉपी रखनी होगी। नंबर टू है साथियों USA अमेरिका। अमेरिका में जो है गाड़ी साथियों जो है राइट साइड में चलाई जाती है और आप इंडियन लाइसेंस से जो है एक साल तक वहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है और इंग्लिश में नहीं है तो वहाँ पे आप A94 फॉर्म भरा जाता है एयरपोर्ट पे, वो आप भर के वहाँ पे तो भी आप गाड़ी चला सकते हो। नंबर वन है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप जो है इंडियन लाइसेंस से लेफ्ट साइड में मतलब इंडिया की तरह ही गाड़ी चलाई जाती है और वहाँ पे आप 3 मंथ तक जो है गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद जो है आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी अदर किसी कंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए तो सूर्या टूरिज्म टिप्स में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बाकी आपको किसी भी प्रकार के वीजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।